अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है सब एक जैसे हैं ओके। जैन जैन जी वही थे? सतेंदर जैन जी हाँ, थे? नंबर जेल में। हाँ। उनका एक वीडियो लॉरेंस विष्णु का इंटरव्यू कैसे वायरल से तिहाड़ का नहीं था वो पंजाब से जोगिंदर पटियाल जी ने इंटरव्यू किया वो पंजाब से किया बट उसमें जो उसने एक इंटरव्यू आया सेकेंड टाइम फिर उसने दावा किया कि अच्छा, कि सोशल मीडिया में उसकी भी फैन फॉलोइंग है जी। जब मैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं अपने कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने उसको हीरो की तरह देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से आप जैसे लोगों से अंदर या जो उसके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं डरता जैसे टीवी बोलता है वाकई नहीं लॉरेंस बिश्नोई का पर्सनली मेरे पास तो कभी वो लॉज नहीं रहा पर जो मेरे साथियों के पास वो रहा दिल्ली आता है प्रोडक्शन पे आता है एक दो दिन के लिए रुकता है तो जो आ, उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कॉपरेटिव है शांत है और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े और ओबीडियट है चीज़ें मानता है अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता ऐसा लगा टॉपर के बारे में सुन रहा <laughs> कि पढ़ा लिखा बच्चा है शरीफ है शानदार है सारे गुण इसके अंदर है नहीं देखिए अगर जेल में शैतानी करके कहाँ जाएगा तो और लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं जिनका नाम नहीं आता पर वो भी क्रिमिनल हैं अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है सब एक जैसे हैं पर नहीं जैसे तिहाड़ में कई बार लगता है कि तिहाड़ में बैठे बैठे सारा काम करा दिया बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जो सही है गलत है मैं नहीं पता इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं जैसे लॉरेंस वाला एक केस था सिद्धू मूसे वाला को लेकर जो खबर आई तो उसमें पता लगा कि ये पूरा प्रोसीजर यहीं से होकर गुजरा नहीं देखिए वो खबरें आती हैं खबरों के साथ लिखा आता है खुफिया सूत्रों से बट इनसाइडर जैसे सूत्र कौन होते हैं ये लोग मजाक उड़ाए समझ में आता है हमें बट सूत्र वो होते हैं जो आप जैसे पुलिस वाले हमारे दोस्त बनते हैं मीडिया के जो क्राइम रिपोर्टर है उसका पुलिस वाला एक जो दोस्त है वो धीरे से उसको बताता है कहता है सुनो नाम मचापना अच्छा ये सूत्र होते हैं जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ क्योंकि हम जी. भी सूत्र की खबर चलाई हमने कि खबर और अंदर वाले ही लीक करते हैं किसी को अपने सीनियर को डिफेम करना होता है किसी को खबर दबानी होती है तो धीरे या कोई थोड़ा हिसाब किताब जुगाड़ वाला चलता है नहीं देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जो दिल्ली तिहाड़ जेल है वहाँ पर हर तरीके से चीज़ें ऐसी हैं ट्रांसपेरेंसी बहुत है और अभी जैसे लॉरेंस की हम बात कर रहे हैं सुकेश सुकेश भी है हुँ. और भी बहुत से हैं तो जितने भी हाई प्रोफाइल हैं ये चौबीस घंटे मोनिटर होते हैं इनकी एक एक एक्टिविटी एक मोनिटर की जाती है कि कब इनकी सेल्स के अंदर कैमरा होंगे जिस जहाँ भी ये जाएंगे एक नया कैमरा सेटअप हम लेकर आए हैं बॉडी बॉर्न कैमरा हुँ. तो इनकी सिक्योरिटी में जो भी ऑफिशियल होगा वो बॉडी बोन कैमरा हमेशा इधर आ, रखते हैं अपने साथ और इनकी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं ये किससे मिले किससे नहीं मिले किससे क्या बात की तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी इस तरीके की चीजें करेगा कि वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करे ओके okay. सत्येंद्र जैन जी वही थे सत्य जैन जी हाँ सात नंबर जेल में उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मसाज वाला तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री जुगाड़ लग जाता है नहीं देखिए परमिशन नहीं उनको कुछ इश्यूज थे फिजियोथेरेपी की तरफ से उनको रिकमेंडेड थी जि, जितना मुझे पता चला मेरे पास वो नहीं रहे तो फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेड थी तो वो टाइम टू टाइम शायद सुबह शाम कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल था कि हाँ उनको उस, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी बिश्नोई का केस आपने देखा आपने उसको मतलब आपने वो इंटरव्यू देखा था जो हम बात रहे थे जी जी मैंने देखा जोगिंदर पटियाल जी हाँ, उसमें कई सारे एलिगेशन पुलिस वालों पर लगाए थे कि पुलिस वालों ने हमारे लोग मरे हमारे लोगों को पकड़ लिया फिर उसने कहा कि मेरे कॉलेज का एक केस था जिसके चक्कर में मुझे उठाया था और मुझे यहाँ पर रख दिया तो छोड़ ही नहीं रहे देखिए जब तक वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो वो मसाला कैसे क्रिएट होगा उस पर मीम कैसे बनेंगे स्टोरीज़ कैसे बनेंगी तो ये तो पब्लिसिटी स्टंट है अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है आदमी मरना मर्डर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और अगर फैक्ट्स रहे होंगे तो कार्रवाई भी हुई होगी तो लॉरेंस इतना फेमस क्यों आप आप तो क्यों? आप तो क्यों ऑब्जर्व करते क्रिमिनल्स के बीच में एक कैदी एक लड़का जो तीस साल की उम्र जिसकी है वो इतना वायरल क्यों इतना फेमस क्यों हो गया आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या उसको लेकर देखिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जैसे पीछे अभी सिद्धू मूसेवाला में लॉरेंस का नाम आया उससे पहले उससे पहले सलमान खान वाले केस में नाम आया तो एक ऐसे इस तरह के हाइलाइटेड चीज़ों को टारगेट करने से एक मीडिया अटेंशन एक सोशल अटेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट की और उन चीज़ों को कैश किया तो मुझे लगता है कि अब इसी स्ट्रैटेजी के चलते चीज़ें थोड़ी सी और सोशल मीडिया पे आप देखते ही हैं कि कोई भी चीज़ है एक अलग सी आप मार्केट में आप निकाल दो तो वो किस तरह से आप स्प्रेड होती है